हंसिनी जब से चंदेल भवन में आई है तब से देव नारायण चंदेल एक कमरे के अंदर बंद है और वो अपनी गलती के सजा उसी कमरे में भुगत रहे हैं। लेकिन देव नारायण चंदेल को इतनी हिम्मत नहीं जुट रही है कि वो हंसिनी से एक गिलास पानी मांग कर पी ले। मगर जब से हंसिनी चंदेल भवन में आई है तब से देव नारायण चंदेल को एक टाइम के खाना खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। इसलिए अब देव नारायण चंदेल की घर वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि हंसिनी और खुशबू में आज खूब बहसबाजी हो रही है, क्योंकि हंसिनी ने खुशबू का हार अपने पास रखी होती है, जिसके बाद आज खुशबू ने हंसिनी से कहती है कि मेरा हार अब मुझे वापस लौटाओ, आप जानती ही हो कि वो मेरा हार कितना महंगा था। जिसके बाद हंसिनी उससे कहती है ज्यादा मेरे सामने इंग्लिश झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हंसिनी ने जाकर वो अपना अलमारी खोलकर खुशबू को दिखा रही है और उसे कहती है कि ये देखो मेरे पास इतना जेवर है कि तुम जब इसे देखोगी तो तुम्हारा आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। फिर उसके बाद खुशबू वहां पर चली जाती है और खुशबू जब हंसिनी की अलमारी में देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि हंसिनी के उसमें बहुत सारे जेवर पड़े होते हैं। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।